भैया इस पार्ट का राइटर है कौन, आप बताइए तो कौन है इस पार्ट का राइटर, तो मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। ये पार्ट क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण है। हम पहले से बताया आपको, इसका ट्रिक भी बताया याद करने का, उसको वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, आप उसको भी देख लीजिए, ताकि ट्रिक से याद करने में बहुत ही सुविधा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आता है कि पहला आता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, बताना है कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था। तो भैया मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और उनकी पारिवारिक जीवन का परिचय भी देना है। तो भैया मैक्स मुलर का जो, अगर वास्तविक नाम बात कीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैक्स मुलर का वास्तविक नाम फ्रेडरिक फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक है, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेशाउ नगर में हुआ था। क्या था? जर्मनी के डेशाउ नगर में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बात कीजिएगा तो देखिए हुआ था। अब कहिएगा सर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भैया ये बिलोंग करते हैं, आपको बात करें मैं, तो ये बिलोंग करते ईसाई प्रधान से। क्या? ईसाई, यानी जात के ईसाई थे। ठीक है, जो ब्रिटेन में एक कर्मचारी भी थे, कर्मचारी के पद पर नियुक्ति किया गया था। इनके एक बचपन का मित्री थी, यानी इनका बचपन का एक गर्लफ्रेंड भी थी, जन्म से ही एक गर्लफ्रेंड रख लेता, उसका नाम था जर्जीना। क्या नाम था? वो जर्जीना। ओकरे से आगे चल कर वो जर्जीना इनकी क्या बन गई? पत्नी, यानी उसी से शादी कर लिया बेचारा। ठीक है, और इनके पिता की बात करते विलहेलम मैक्स मुलर है। कौन है? विलहेलम मैक्स मुलर। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, विदेशी तो है लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। और इनकी माता की बात करें तो इनका माता का नाम था एडिलेट ओवल। क्या नाम था? एडिलेट ओवल। जो, और इनकी मृत्यु की बात करिएगा, मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था, इनकी बात करिए तो मैक्स मुलर का मृत्यु आपको हो गया था कब? तो आप बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? आप पढ़े हैं कहानी, बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ था कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में ख़त्म हो गए थे, या धरती से अलविदा कह दिए थे। इनका प्रमुख ग्रंथ की बात करिए तो पहला है हितो उपदेश। अब उसके बाद और बात कीजिएगा तो भैया एक मेघदूत है, मेघदूत, एक मेघदूत है। ठीक है, ये भी आपको, ये तो मेघ है दूत, दूत भैया मेघदूत है। मेघदूत दो गो ऐसा है जिन्होंने संस्कृत भाषा से यह जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट किया है, समझ ना। ये जो कहानी आप पढ़ रही है, इस कहानी को लिखा गया था आपको जर्मनी भाषा में, लेकिन इनको हिंदी में अनुवाद किए थे कौन? तो शंकर। कौन किए? तो शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले देखिएगा अगर बात को, तो भैया ये लोग कहा थे हम बताए थे इसका। उसके बाद इन्हें इंग्लैंड के जो महारानी थी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, यानी विक्टोरिया महारानी जो थी, वो इनको नाइट की उपाधि दी थी। किसको? नाइट। जो इन्होंने बाद में इनको उपाधि को त्याग दिया था, इन्हें लौटा दिया था, नहीं लिया था। बाद में भारत का, भारत में आए तो भारत में विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति कहा हो, भारत का विवेकानंद ने इनको वेदांतियों का वेदांति कहा। तब कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांति कहा था? मैक्स मुलर को। चलिए अब इस पार्ट का क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल, सो इजीली क्वेश्चन, सो इजीली आप चाहे तो बना सकते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तब सब चाहे तो मैक्स मुलर के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन भारत के गाँव में हो सकता है, क्योंकि भाई अगर स्वच्छ भारत का दर्शन करना है तो आपको खाली मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब का शहर का दर्शन करिए तो नहीं होगा, आपको भारत के गाँव में जाना होगा, कस्बे में जाना होगा, उस ग्रामीण इलाका में जाना, जहाँ पर क्यों? क्योंकि भारत के गांव में क्या होता है, प्रेम और एकता की भावना होती है, वहीं पर भारत की संस्कृति और संस्कृति की भावनाएं सुरक्षित रहती है। क्या रहती है? सुरक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इससे भी सिंपल है, आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये किया होगा। ठीक है, मैंने कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कर मैक्स मुलर ने अपने वास्तविक इतिहास किसे मानता और क्यों? तो भैया मैक्स मुलर अपना वास्तविक इतिहास ज्ञान के मूल स्रोत को मानता है। वो चाहता है कि ऐसी चीज जिससे कुछ सीखने को मिले उसे ही अपने वास्तविक इतिहास मानता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान के वो मूल स्रोतों और विकास शाखाओं तक ज्ञान की क्या अध्ययन करना चाहता था, चाहता है कि अधिक से अधिक सीखे। ये एक लाइन में कहे कि ये भारत को, इतिहास को अपना वास्तविक इतिहास मानता है। किसे मानता हो? भारत के इतिहास को, कि ये भारत से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेगा तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला सिंपल की बात कर देखे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आप ही बताइए अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप पढ़ेंगे तो बता सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आप देखिए, तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? नया सिकंदर का मतलब समझते हैं,
लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों? ठीक है तो भैया, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा बताइए आप लोग। तो कवि ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो भैया कवि ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कवि ने यानी लेखक ने नया सिकंदर भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को कहा है। ऐसे विदेशी पर्यटक जो भारत में यात्रा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत ने नया सिकंदर कहा है, और उसके अलावा अधिकारियों को भी कहा है। ऐसा कहना इसलिए उचित मानता है, क्यों मानता है? तो भाई इसलिए उचित मानता है कि इनके आने से हमारे देशों में क्या होती है, इनके आने से हमारे देश का एक मान सम्मान बढ़ेगा। यदि ये आएंगे हमारे देश में तो आएंगे तो भारत के अनेक विकास की सुविधाएँ में और संस्कृति का क्या लेंगे, मज़ा उठा सकते हैं। भारत के एकदम सामाजिक गाँव में घूमेंगे, उनका इंटरेस्ट लेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, इससे भारत का और विकास, पर्यटन की संख्या बढ़ जाएगी। सबसे अधिक भारत के लिए, जैसे कि भारत अब बात करते हैं उसके बाद उसमें बता रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर जैसे कि भारत के महान अंग्रेज अफसर, एक भारत में महान अंग्रेज अफसर आया था विलियम जोन्स, यह इतिहास और साहित्यकार में इसके विकास का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा। ये बहुत ही और भारत का विकास किया था, यानी बताया था कि भारत एक बहुत ही देखिएगा ना तो विकासशील देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के संपत्ति संसाधनों से भरा हुआ एक परिपूर्ण एक नवीनतम देश है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भाई तब से पूछेगा कि बताइए कवि ने नया सिकंदर किसे कहा है, तो विदेशी पर्यटकों और अधिकारियों के कहा है, जिनके आने से हमारे देश में विकास क्या करता है, विकास बढ़ता है, साथ साथ संस्कृति कार्यक्रम की मजा लेते हैं इन लोगों ने। आई सबसे अधिक बढ़ाई की कौन सा अंग्रेज अफसर ने किया था? भैया सबसे अधिक बढ़ाई वो किया था भारत का कौन, विलियम जॉनसन, यही सबसे अधिक विकास किया था। और कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मिलेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।